हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के बारे में। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये मैं बताना चाहती हूँ आपको। और यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ कि रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड कहाँ कहाँ आता है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपका रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड टॉपिक। और दूसरा जो कैंपस प्लेसमेंट इंटरव्यू होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी जब कैंपस आता है तो रिटन एग्ज़ाम होती है सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक स्लाइड में यहाँ पे बताया हुआ है कि जब भी रिटन एग्ज़ाम होती है तो फर्स्ट तो वहाँ पे आपसे टेक्निकल और रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में कोडिंग राउंड होता है आपका, उसमें कोडिंग रिलेटेड क्विज राउंड होता है जिसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट टेक्निकल राउंड होता है, उसमें भी आपसे टेक्निकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर नेक्स्ट होता है मैनेजरियल राउंड, और फिर लास्ट होता है एचआर राउंड। तो यहाँ पे कहने की बात है कि सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आपका रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड कितना इम्पॉर्टेंट है और इसका क्या क्या सिलेबस आता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड क्या होता है? ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग टेस्ट सिंपली क्या होता है, टू मेजर और डिटरमाइन अ पर्सन्स एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर स्किल्स और फील्ड ऑफ नॉलेज, दैट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं कि रीजनिंग क्या है, आपकी प्रोसेस है एवोल्यूशन की, एंड एप्टीट्यूड इज़ अ कैपेबिलिटी। एप्टीट्यूड में आपकी कितनी कैपेबिलिटी है वो चेक की जाती है। ओके, किस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कितना टाइम उसमें लगाते हैं, कितनी एफिशिएंसी के साथ, एक्यूरेसी के साथ आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एंड रीजनिंग में आपका आईक्यू चेक किया जाता है। ओके, लॉजिक, जस्ट लॉजिक। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूँगी कि जैसे लॉजिकल रीजनिंग हो, हम बचपन में थे, हमें हमारे पेरेंट्स चॉकलेट्स देते थे। ओके, चॉकलेट्स देते थे तो चॉकलेट्स वो अपने दोनों हाथों में रखते थे, किसी में कम होती थी किसी में ज़्यादा होती थी। तो आप जब बच्चे थे तब भी पहचान जाते थे कि हाँ ज़्यादा चॉकलेट कौन सी है, किस कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा है ना। हमको नंबर्स नहीं पता होते थे, बट फिर भी हम जब छोटे थे तो कौन सा चूज़ करते थे, जो ज़्यादा क्वांटिटी होती थी चॉकलेट्स की वो चूज़ करते थे। तो जो रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिक्स तो हमारे बचपन से ही स्टार्ट हो जाते हैं, डेवलप। लॉजिकल रीजनिंग के फादर हैं, वो कौन माने जाते हैं, वो कौन है? तो अगर मैं बात करूं कि अगर आपने सुना होगा उनका नाम अधिकतर स्टोरीज़ में, जब हम बचपन में छोटे थे तब भी, जैसे कोई भी पज़ल सॉल्व करना होता था तो उसमें रीजनिंग ही यूज़ होती थी, लॉजिकल रीजनिंग। तो वहाँ पे नाम आता था किसका, बीरबल का। यस, ऑफ कोर्स, बीरबल जो थे लॉजिकल रीजनिंग के फादर कहे जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ही लॉजिकल रीजनिंग की शुरुआत की। सभी को पता है कि रीजनिंग का कितना इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग पर बेस्ड होता है। ओके, अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ इम्पॉर्टेंस ऑफ रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो वो क्या होता है। तो यहाँ पे रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें, एवरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ओके, एंड इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है कैंपस प्लेसमेंट में, एंड इट हेल्प्स इन
इवेल्यूटिंग द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट। क्लियर? तो ये इसका इम्पॉर्टेंट होता है। अब मैं बात करती हूँ क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जो कि एप्टीट्यूड का ही एक पार्ट है। तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड में क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं आपसे एग्ज़ाम्स में एंड प्लेसमेंट रिटर्न टेस्ट में, तो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर का जो टॉपिक है वो मैंने लिया यहाँ पे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन। तो टाइम एंड वर्क के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पूछे जाते हैं, और हर एक लेवल के वो क्वेश्चन आते हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल एंड हार्ड लेवल। ओके, तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने टॉपिक जैसे बताया, फर्स्ट में मैंने टाइम एंड वर्क लिया है, सेकंड में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, थर्ड वन है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसमें हम सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन इस टाइप के टॉपिक में पूछे जाते हैं, और इसमें कुछ आपको वर्ड्स दे दिया जाता है, उसमें अल्फाबेट्स को किस तरह से अरेंज करना है वो सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है परसेंटेज, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे आपसे। फिफ्थ नंबर टॉपिक है नंबर्स, नंबर्स में आपसे डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स हो सकते हैं, और अलग अलग उनको सिंप्लीफाई करना, सॉल्यूशन उनका देना, ये सारे क्वेश्चन आपके नंबर्स में पूछे जाते हैं, इसमें पजल्स भी आती हैं आपकी। ओके, और फिर नेक्स्ट है टॉपिक इसमें सिक्स नंबर एवरेज, इसमें आपको एवरेज निकालना होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं कि जो आपको एवरेज क्या होता है, टोटल नंबर जो एडिशन होता है नंबर्स का एडिशन, और डिवाइड में आपको जितने भी नंबर्स हैं वो टोटल नंबर्स ऑफ आपको पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। फिर एट्थ नंबर टॉपिक है यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो इसमें रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है टॉपिक मिक्सचर, मिक्सचर में आपको इसमें वाटर एंड मिल्क का क्या मिक्सचर है, या कोई भी आपको मिक्सचर रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, अब ये जो प्रोबेबिलिटी टॉपिक है ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पूरा पूरा रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी में आपको क्वेश्चन आएंगे जैसे कॉइन्स के, फिर डाइस होते हैं उनके क्वेश्चन दिए जाएंगे, और जैसे ताश की गड्डी से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशंस इस टाइप से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो हुई क्वांटिटी एप्टीट्यूड के टॉपिक्स की बात, और इसमें और भी कुछ हैं पर मैंने अभी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो होते हैं वो 10 टॉपिक्स लिए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रीजनिंग के टॉपिक्स की, तो ये देखिए रीजनिंग में मैंने दो चीज़ें ली हैं यहाँ पे, वर्बल लिया है, वर्बल टेस्ट के जो टॉपिक्स होते हैं वो लिए हैं, एंड नॉन वर्बल टेस्ट के टॉपिक लिए हैं। तो यहाँ पे वर्बल टेस्ट में आपके पास आता है एनालॉजी। ओके, अब एनालॉजी आपको पता होगा क्या होता है, जैसे मैंने पूछा यहाँ पे कप्स, CUP कप्स, ओके CUPS कप्स, कप्स रिलेटेड होता है किससे, LIP लिप्स। ओके, कप्स जिस तरह से रिलेटेड होता है लिप्स से, तो वहीं पर अगर मैंने एक और दिया है आपको यहाँ पे बर्ड, तो बर्ड का रिलेशन किससे होगा, जैसे हम अगर कप्स का यूज़ करते हैं कुछ भी ड्रिंक करने के लिए, ओके तो किसकी हेल्प से, हम लिप्स की हेल्प से, लिप्स में टच होता है, लिप्स की हेल्प से उसको ड्रिंक करते हैं। उस तरह से जो बर्ड हैं वो अगर कुछ भी खाते हैं या फीड करते हैं तो वो किसका यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपको इस तरह से एक ब्लैंक दे दिया जाता है, तो आपको वो सोचना पड़ता है, और आपको 4 ऑप्शन गिवन होते हैं। ओके, तो जैसे इसका आंसर आएगा बीक, तो ये एनालॉजी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उनमें से कौन सा डिफरेंट है,
वो क्लासिफिकेशन में आपसे पूछा जाएगा। ओके, और फिर नेक्स्ट आता है नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज रीजनिंग में मैंने लिया है क्योंकि ये जो है आपका पैटर्न बेस्ड होता है। ओके, नंबर सीरीज के बाद आता है अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज में भी ए बी सी इस टाइप से आपसे पूछे जाएंगे। ओके, जैसे ए ब्लैंक दे दिया, फिर बी, फिर ब्लैंक, फिर अगेन ए दे दिया, बी दे दिया, फिर ब्लैंक ब्लैंक, इस टाइप से पैटर्न क्रिएट होता है इसमें, तो ये अल्फाबेट सीरीज में आता है। फिर नेक्स्ट आता है कोडिंग डिकोडिंग। ओके, कोडिंग डिकोडिंग में हम क्या करते हैं, कोई एक वर्ड होता है उसको कोड कर देते हैं। ओके, क्वेश्चन में कैसा दिया रहता है, कोई एक वर्ड है जैसे एप्पल है, एप्पल को हमने एक्स वाई जेड समथिंग कुछ भी दिया है, और फिर उसने उसी का दूसरा कोई वर्ड पूछ लिया है मैंगो, मैंगो को इस डिकोड करके क्या लिखेंगे हम। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट होता है वर्ड अलाइनमेंट, मिसिंग कैरेक्टर्स, ब्लड रिलेशन। ओके, तो यहाँ पे जो ब्लड रिलेशन टॉपिक है ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और डिफ़िकल्ट भी होता है, इसके भी क्वेश्चन मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। ये तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बैंक एग्ज़ाम में भी आते हैं और इवन कैंपस के रिटर्न एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। ओके, फिर वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन में सेट थ्योरी आपने सुना होगा नाम, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में किया होगा, आई थिंक 9th क्लास में होता है ये वेन डायग्राम का टॉपिक, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा सेट थ्योरी कि कितने पर्सन हैं, वो कुछ पर्सन कॉफ़ी पसंद करते हैं, कुछ टी पसंद करते हैं, और कुछ जो पर्सन है वो दोनों पसंद करते हैं, तो कितने पर्सन ऐसे जो हैं कुछ भी पसंद नहीं करते, तो इस टाइप के क्वेश्चन इस वेन डायग्राम में आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपसे डायग्राम भी पूछा जा सकता है और सॉल्यूशन भी पूछा जा सकता है कि कितना नंबर ऑफ परसेंटेज है। ओके, परसेंटेज ऑफ पीपल ये पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, इस तरह से। तो नेक्स्ट है नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस। अब यहाँ पे नंबर रैंकिंग की हम बात करें तो इसमें आपको किस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि एक मान लीजिए क्यूब है, उसमें कोई एक पर्सन है वो 4th पोजीशन पे है और दूसरा पर्सन भी है वो 7th पोजीशन पे है, तो बताइए क्यूब में टोटल क्यूब में कितने नंबर ऑफ पीपल्स हैं, तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पर जो है डायरेक्शन डिस्टेंस में आपको दे दिया जाएगा कि कोई एक पर्सन है वो नॉर्थ में 30 किलोमीटर चलता है, फिर उसके बाद में लेफ्ट टर्न होता है या राइट टर्न होता है, फिर और इतने डिस्टेंस पर जाता है, फिर और लेफ्ट टर्न होता है, फिर इतने डिस्टेंस पर जाता है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है कि बताइए वो स्टार्टिंग पोजिशन से किस डायरेक्शन में है, कितने डिस्टेंस में है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है बेसिक मैथमेटिक्स, जो भी बेसिक मैथमेटिक्स होते हैं आपके सॉल्यूशन हो सकते हैं या कुछ भी आपको इसमें दे सकते हैं, जनरल आपके लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसमें। ओके, अब नॉन वर्बल टेस्ट। वर्बल में तो हम बता सकते हैं जस्ट इमेजिन करके सोच के, बट नॉन वर्बल में क्या होता है, आपको थोड़ा सा ट्राई करना होता है इसको सॉल्व करके, कि जैसे फिगर एनालॉजी होती है, आपको 4 फिगर्स दे दिए या एक फिगर दे दिया और पूछा जाएगा बताइए इसके नेक्स्ट फिगर कौन सा आएगा, तो ये सब फिगर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए यहाँ पे फिगर एनालॉजी टॉपिक, फिगर क्लासिफिकेशन, अलग फिगर हमको फाइंड आउट करना होता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं उसमें से, फिर फिगर सीरीज दे दी जाती है आपको, उसमें बीच की सीरीज गायब कर देंगे, आपको मिस कर देंगे या लास्ट की, तो वहाँ पे आपको फाइंड आउट करना रहता है करेक्ट फिगर। ओके, फिर नेक्स्ट आता है ग्रुपिंग ऑफ फिगर। ग्रुपिंग ऑफ फिगर में आपको फिगर दे दिया जाता है, उनकी ग्रुपिंग पूछी जाती है कि किस ग्रुपिंग से रिलेटेड अब नेक्स्ट फिगर होगा आगे। फिर क्यू एंड डाइस से रिलेटेड, अब आपको क्यू एंड डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे आपको एक इमेज बना दी है किसकी डाइस, ओके इस तरह से मैं यहाँ बनाती हूँ, ये एक डाइस बना दिया, ये क्यूब बना दिया,
अब यहाँ पे उसने यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, यहाँ पे दो पॉइंट दे दी, इस तरह से होता है आपकी डाइस। तो यहाँ पे आपको देखिए कितने फेसेस दिख रहे हैं, तीन फेसेस दिखेंगे। ओके, यहाँ पे डाइस में आपको थ्री फेसेस दिखेंगे और फिर आपसे पूछा जाएगा बताइए वन के अपोजिट क्या होगा, है ना, कितना नंबर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है क्यूब एंड डाइस में आते हैं। और उसके बाद में आपसे इसमें अलग अलग पूछ लिया जाएगा कि ऐसा पूछ सकते हैं कि ओपन डाइस या क्लोज डाइस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि बताइए इसके पैरेलल में या इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, इस टाइप से। फिर फिगर कॉम्पिटिशन कम्प्लीशन होता है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है एम्बेडेड फिगर्स, इससे रिलेटेड फिगर्स कौन सा है। डॉट प्रॉब्लम्स आती है इसमें। ओके, मिरर वाटर इमेजेस, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मिरर एंड वाटर इमेजेस। ओके, इसमें आपको कोई भी फिगर दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा आपसे जस्ट कि बताइए इसको अगर मिरर में हम देखते हैं तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी, या वाटर में हम देखेंगे तो इसकी वाटर इमेज क्या होगी। फिर नेक्स्ट आता है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। अब ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, जस्ट आपको इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें आपको कोई पेपर को कटिंग या फोल्ड करके नहीं देखना होता है, जस्ट आपको इमेजिंग करना होता है। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगी कैसे करना है वो ट्रिक। तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि कोई भी अगर एक पेपर है यहाँ पे, अगर उसको हमने इस तरह से फोल्ड किया है, फिर अगेन इस तरह से फोल्ड किया है, फिर उसको कट लगाया है अगर अलग अलग डिफरेंट टाइप से, तो जब इसको हम ओपन करते हैं तो ये किस तरह से शो होगा। तो आपको फोर ऑप्शन दे दिए जाएंगे, वो सभी आपको जस्ट सेम ऑप्शन दिखाई देंगे, बट आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज़ करना होगा। फिर नेक्स्ट होता है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स में भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपको ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताइए ये जो फिगर है गिवन, इसमें कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं, है ना। फिर एक आपको स्क्वायर दे दिया जाएगा, इसमें बताइए आप कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं, कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये तो बात हुई टॉपिक्स की, ठीक है। अब ये जो सारे टॉपिक हैं हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में। तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको कवर करवाऊँगी। ओके, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, और अगर पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो और भी डिवाइसेस से आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं। ओके, तो लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।